फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 22 साल की चंद्रा हिरण की, जिन्होंने 22 साल की उम्र में केस फाइल किया फेयर एंड लवली में वर्ड फेयर यूज़ करने के लिए। उन्होंने बोला कि सारे कलर्स, डार्क कलर, लाइट डार्क कलर, ये कलर्स भी कलर्स होते हैं और ये लोग भी प्रिटी होते हैं, एक सिर्फ फेयर ही लवली नहीं होता है। ये मुंबई की रहने वाली थी और इन्होंने BLM मूवमेंट के ज़रिए उसकी मदद से फाइल किया पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट फेयर एंड लवली के लिए। BLM मूवमेंट है ब्लैक लाइव्स मैटर। जो लोग डार्क स्किन के हैं, ब्लैक कलर के हैं, उनकी भी लाइफ मैटर करती है। गॉड ने सबको जो कलर दिए हैं वो सोच समझ कर ही दिए हैं, सारे कलर ब्यूटीफुल होते हैं। तो चंद्रा हिरण का नाम भी नहीं लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज किया फेयर से हटाकर ग्लो एंड लवली। और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं जो कलरिज्म, ये कलर, डार्क स्किन, इन सब पे बातें करती हैं। और ऐसी वेब सीरीज़ भी आई हैं इस चंद्रा हिरण के एक्शन के बाद, बट कहीं भी चंद्रा हिरण का नाम नहीं ले गया। जून के महीने में 27-28 के 2020 में उन्होंने ये कदम उठाया। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये सब जो भी कलरिज्म, इस पे वो डटकर सामना करती हैं लोगों का। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और ये एडवर्टाइजिंग का एक टॉपिक भी है और मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ASCI आप लोगों में होगा, इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इस्टैब्लिश हुआ था 1985 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये उन एडवर्टाइजमेंट को देखता है जो कहीं के भी जो बिलीव्स हैं, कस्टम है या माइनॉरिटीज़ या जो भी लोग हैं उनको फीलिंग को हर्ट करता है, उनको ये रोकता है। और यहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो ये एक्शन भी लेता है। पर ये सब लॉ में कहने की बात है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट अभी भी हमारी कंट्री में चल रहे हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।